नहीं रहे जेटली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है। एम्स में अरुण जेटली का निधन हुआ है। 12:07 पर अरुण जेटली ने अंतिम सांस ली थी। पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे अरुण जेटली, जिस बीमारी के चलते आपको बता दें उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। तो अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 12:07 पर अरुण जेटली ने अंतिम सांस ली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का एम्स में निधन हुआ है। 9 अगस्त को वो दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती किए गए थे। उन्होंने अंतिम सांस एम्स में ली। 12:07 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बात 25 जून 1975 की जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अरुण जेटली अपने नारायण वाले घर के आंगन में सोए हुए थे। बाहर कुछ आवाज हुई तो वो जाग उठे। उन्होंने देखा कि उनके पिता कुछ पुलिस और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन जी, बेहद ही दुखद खबर कि हमारे बीच अब अरुण जेटली जी नहीं रहे। अरुण जी का हम सबको छोड़ के चले जाना निश्चित रूप से न केवल व्यक्तिगत डॉक्टर रमन का सिरगढ़ का बल्कि देश और भारतीय जनता पार्टी का अपूर्णीय क्षति हुई है। और ऐसे प्रखर वक्ता, ऐसे अधिवक्ता और खासतौर से अपनी बात को विधानसभा लोकसभा में मंत्री के हैसियत से, फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से जो रखने की बात, और संगठन को जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप 1980 के बाद बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अरुण जेटली की भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उस समय का दौर था, कानूनी लड़ाई जब चल रही थी, तो उस दौर में भी जेटली जी हम लोगों के साथ खड़े रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध रहे अभी 15-20 दिन पहले और हॉस्पिटल में एडमिट होने के साथ साथ मैं उनसे मिला था। निश्चित रूप से ये देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। न केवल एक बहुत ऐसे अधिवक्ता जो जिनकी पहचान देश और देश के बाहर थी, ऐसे राजनेता जो निर्णय लेने की जिनके अंदर क्षमता थी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि लंबा राजनीतिक सफर आपका भी रहा है, कई मरतबा आपकी मुलाकात भी हुई, आपने केंद्र की भी राजनीति देखी है और प्रदेश की भी देखी है, कोई ऐसा पल जो सबसे ज्यादा अरुण जेटली के साथ आपको बहुत ज्यादा याद आता हो, जिसको आप बार बार याद करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? अरुण जी और अरुण जी के साथ लगातार मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कोई राष्ट्रीय कार्य समिति नहीं होगी जिसमें अरुण जी के बिना हम लोगों ने काम किया हो, अरुण जी के साथ मिलकर काम किया हो। तो कोई ऐसा संगठन का काम नहीं था जिसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका ना रही हो। और जब जब छत्तीसगढ़ में हम लोगों को कोई संकट होता था तो हमारे पास एक ही नाम दिखता था, अरुण जी का नाम, और वो हर समय एक बेहतर मार्गदर्शक की वजह से हम सबको मदद करते रहे। और मैं याद रखता हूँ छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया उलझी हुई थी, उस समय अरुण जी ने इस काम को बाकी। बिल्कुल, बाकी डॉक्टर साहब, क्योंकि एक अब ऐसी क्षति है जो शायद ये जो वैक्यूम अब भारतीय राजनीति में उत्पन्न हुआ है इसको शायद ही कोई भर पाए। कई आप भी अपने यादगार पल बता रहे हैं उनके साथ, क्या लग जी जी, तो डॉक्टर साहब बात वही कि 1975 में 75 से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तमाम चीजें एक छात्र संघ के नेता से उठकर वो देश के वित्त मंत्री के पद पर आते हैं, किस तरह से इस पूरे उनके राजनीतिक जीवन को आप देखते हैं? राजनीतिक जीवन और विद्यार्थी परिषद के एक कॉलेज से राजनीति शुरू करके विद्यार्थी परिषद से आगे बढ़ते बढ़ते
भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ से जुड़ के काम करने वाले अरुण जी ने न केवल दिल्ली और दिल्ली के बाहर राष्ट्रीय स्तर में जो उनकी पहचान बनी एक अच्छे वक्ता के रूप में, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में, निश्चित रूप से कंपनी कभी भ्रमित नहीं जा सकती और सबको हमेशा खड़ी जी। क्योंकि डॉक्टर साहब आप 15 साल तक आपने एक प्रदेश की पूरी कमान संभाली है, छत्तीसगढ़ को अग्रणी प्रदेशों में लाके भी आपने खड़ा किया है। जब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और बतौर वित्त मंत्री, कितना सहयोग आपको छत्तीसगढ़ के लिए बतौर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से जितने भी योजनाएं, जितने भी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के लिए हमने बनाए और छत्तीसगढ़ का आज डेवलपमेंट का स्वरूप दिख रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से अरुण जेटली महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हर कदम पे आगे बढ़कर वो मदद करने वाले थे। कभी कभी उन्होंने छत्तीसगढ़ को निराश नहीं किया और मैं तो ये मानता हूँ कि व्यक्तिगत जो मेरे उनके साथ संबंध थे, कभी भी किसी भी समय जाकर उनसे मिलने की छूट रहती थी, तो एक बड़े भाई की हैसियत से हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। ये इस व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि काफी बड़ी क्षति हम सबकी हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बता रहे थे कि बतौर वित्त मंत्री रहते हुए अरुण जेटली ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भरपूर सहयोग दिया है। वो एक ऐसे राजनेता थे जो न केवल आम जनता से जुड़े हुए थे, छात्र संघ से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आपको बता रहे थे कि 25 जून 1975 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अरुण जेटली अपने नारायण वाले घर के आंगन में सोए हुए थे। बाहर कुछ आवाजें हुई तो वो जाग उठे। उन्होंने देखा कि उनके पिता कुछ पुलिस वालों से बहस कर रहे थे। ये पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये देखते ही अरुण जेटली अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। वो रात उन्होंने उसी मोहल्ले में अपने दोस्त के यहाँ बिताई। अगले दिन उन्होंने सुबह 10:30 बजे अखिल विद्यार्थी परिषद के करीब 200 छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने एकत्रित होने के लिए कहा।